सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो पे हम लोग सीबी साइन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो ये है गाइज सीबी साइन होंडा की, और ये जो मॉडल है ये ड्रम वाली मॉडल है, डिस्क वाली नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट रिव्यू और इसका स्पेसिफिकेशन, प्राइस कितने की है, ये सब बताएंगे गाइज आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पे बने रहना गाइज। तो सबसे पहले गाइस वीडियो पे बात करेंगे कि हम लोग इसका फ्रंट लुक देखते हैं। फ्रंट लुक गाइस कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है और एकदम प्यारा लगता है। होंडा ने इसीलिए इसको बनाया कि एकदम साइन है। तो इसका फ्रंट में देख सकते हैं गाइस आप, एक सामने में ऊपर में, ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया और होंडा की बैचिंग है सामने में। अब नीचे आते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट इसको इसमें आपको देखने को मिलेगा गाइस हैलोजन, और इसका जो साइड इंडिकेटर है वो भी आपको हैलोजन दोनों देखने को मिलेगा। अब नीचे आते गाइस, ये जो मडगार्ड है अच्छी क्वालिटी का है जो कि प्लास्टिक है और फाइबर दोनों है। अब सामने में जो सस्पेंशन लगा, ये जो सस्पेंशन है गाइस आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। अब नीचे बात करते गाइस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो ये जो आपको टायर देखने को मिल रहा है गाइस, ये नायलॉन का टायर है जो कि 80/100 का टायर और ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं गाइस इसके साइड लुक के बारे में। तो साइड लुक में आपको देख पा रहे हो आप, ब्लैक एंड रेड एंड सिल्वर का एक साइन बना है, और उसमें सामने ही आपको होंडा की बैचिंग देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब इसके नीचे तरफ आएंगे गाइस, तो इसका जो इंजन है आपको 124 cc का इंजन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा साइन है। इसमें आपको 5 गियर बॉक्स मिलते हैं गाइस, 5 गियर बॉक्स अच्छा है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। 125 cc में 5 गियर मिल रहा है आपको। अब बात करते गाइस इसके बैक लुक की तरफ। बैक में देखने को आपको एकदम काफ़ी शानदार देखने को मिलता है गाइस, जैसे कि आप ऊपर ही देख पा रहे हो। ये लाइट है, इसका टेल लाइट है जो कि हैलोजन है। ऊपर ही इसमें आपको होंडा की बैचिंग देखने को मिलती है, साइड इंडिकेटर्स जो कि हैलोजन है, काफ़ी अच्छा है, और ये नंबर प्लेट का स्टैंड है, और ये सामने में आपको मडगार्ड मिल जाएगा जो कि फाइबर का है। अब आते हैं इसके साइड लुक की तरफ। वही प्रोसेसर है गाइस, ये देख पा रहे हो सामने में होंडा की बैचिंग, और ये 125 लिखा है यहाँ जो कि साइन का 125 cc का ये मॉडल है, और आपको यहाँ साइन का बैचिंग देखने को मिलेगा। बाकी नीचे बात करते गाइस, ये आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ये गियर पोजीशन है, और आपको अब यहाँ से टायर दिखा देते हैं। बाकी ये भी गाइस नायलॉन का जो टायर लगा है 80/100 का 18 इंच का टायर है जो कि ट्यूबलेस है, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। अब बात करते हैं गाइस इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट लुक में आप देखते हैं कि आपको एनालॉग, फुली एनालॉग मीटर मिल जाता है, और यहाँ साइड इंडिकेटर्स है, हाई बीम, लो बीम, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा यहाँ। अब इधर देखते हैं गाइस, ये आपको पासिंग स्विच देखने को मिल जाएगा सामने में, साइड इंडिकेटर्स और ये की, आपको 2 की मिलता है गाइस यहाँ पे, लगा देते हैं। अब इधर देखते हैं गाइस, आपको यहाँ इंजन स्टार्ट, इंजन स्टॉप स्विच देखने, किल स्विच देखने को मिल जाता है गाइस, काफ़ी शानदार है जो कि साइन 125 में। अब बात करते हैं गाइस इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है गाइस, दोनों तरफ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, जैसे कि आप आगे प्रेस करते हो तो पीछे ऑटोमेटिकली लगेगा। और अब मैं गाइस आपको इसका एग्जॉस्ट नोट करवाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ से इंजन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टॉप हो जाता है। इसका जो देखो स्टार्टिंग ही इतना स्मूथ है, देखो इतना स्मूथ है गाड़ी। तो ये थी गाइस कंप्लीट इसका जानकारी, और इसके अब लास्ट में आपको बता देता हूँ इसका जो प्राइस है। इसका जो प्राइस है गाइस, महासमुंद छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस इसका आता है 92,774 रुपये की ऑन रोड प्राइस है।
जो कि स्टेट के अकॉर्डिंग ऑन रोड प्राइस इसका चेंज रहता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके स्टेट में इसकी जो ऑन रोड प्राइस है कितने की है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, फैला दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।